Ready guys? Hello everyone, welcome to the Sharma family vlog and welcome back to the channel. Actually, यहाँ पर हम जा रहे हैं घूमने के लिए और घूमने के लिए आए हैं हम लोग. हेलो गाइस, हम जा रहे हैं क्रूज पे, बोट पे बैठेंगे और यहाँ से हम जाएंगे सीधा ओ टू लंदन और वहाँ पर हम केबल कार में बैठेंगे जहाँ लास्ट टाइम हम नाइट टाइम गए थे तो बैठे थे ना. मेरा पुराना व्लॉग है, उसमें आप देख सकते हो. और वहाँ जाएंगे और सामने आपको दिख रहा है बिग बैन, ये देखे तो बिग बैन का नज़ारा पूरा इधर से दिख रहा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है. मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ. और यहाँ से हम क्रूज़ के अंदर जाएंगे और आई थिंक जो वाले शिप में हमने बैठना है ना, वो अभी 5 मिनट पे आएगा. तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आपको वेट करनी पड़ेगी, तो अभी हम सब लोग यहाँ पर वेट करेंगे, साथ में फ़ोटोज़ वगैरह कर लेंगे. क्योंकि दीदी घूमने आए हुए हैं तो हमने सोचा इनको आज लाइक यू नो इसमें भी बिठाते हैं और थोड़ा बहुत लंदन का नज़ारा भी. आप लोग सोचेंगे कि दीदी कौन है, तो इससे पहले कि क्वेश्चंस आए, दीदी हैं, मेरी सिस्टर है, अमृतसर में रहते हैं, उनके सिस्टर इन लॉ और साथ में उनकी बेटी आई थी. तो गाइस, इस वाली बोट में हम बैठेंगे अब. ये अभी आ गई है और सारी इसको एम्प्टी करेंगे. पहले पैसेंजर्स निकलेंगे बाहर और हम लोग बैठेंगे अंदर और देखते हैं, फिर बैठते हैं और लेते हैं मज़ा इसका. आज अच्छी सी हवा लगेगी, साथ में बहुत मजा आएगा. कोई गल नहीं. सो वी डिसाइडेड टू गो अपस्टेयर्स, गुड फॉर द व्यूज एंड ऑल, एंड वी कैन हैव सम नाइस फोटोज व्हिच इज ऑलरेडी फुल. सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो व्लॉग्स हैं वो इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे घर पे लाइक यू नो फ्रॉम यू कैन से 25th or 26th of जून से लेकर के और अभी लास्ट मंथ तक आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ गेस्ट एट होम. तो बहुत ही बिजी स्केड्यूल चल रहा था, घर में बच्चे थे, मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे, तो फिर देर वॉज नो यू नो प्लेस कि जहाँ पर बैठ के मैं अपना वीडियोस बनाऊँ और वॉइस ओवर्स करूँ. तो अभी मेरे को टाइम लगा है, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग अगेन और अभी मैं नहीं रुकूँगी, आई प्रॉमिस यू गाइस. और London today to have a thanks group after the Great Fire of London. That's why I took them over.
तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपने व्लॉग्स में लंदन का काफ़ी लाइक यू नो टूर कराया हुआ है जितना मुझसे हो सका है, तो इस बार ये है कि हम इस क्रूज़ पे बैठे हैं और यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं दे लुक डिफरेंट, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल। तो प्लीज़ आप इन्जॉय करें। एक दिन हम रात में भी गए थे नाइट टाइम पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। See your left, the Tower of even London, the ebb tide is going out to sea. Very powerful current. It doesn't look like it. It's getting a bit slack now. The tide will soon start flooding into London. But it's the tide leaves London for about 7 hours and floods back in for 5 hours, continuously flooding up and down. The tide free. This is your stop. There are no buses down in Greenwich. And if you want to go back upriver. और यहाँ पर सक्षम अपना एंजॉय करने के लिए लगा हुआ है, वो प्रटेंड कर रहा है कि जैसे उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है हाथ में, तो उसको वो लाइक ऐसे यू नो एज अ एक प्ले कर रहा है कि एक बेबी पकड़ा हुआ है हाथ में, उसको झूले दे दे के उसको पानी में गिरा रहा है, देखो अभी ये करेगा पूरा का पूरा एक्शन रीप्ले। तो आई डोंट नो कहाँ से इसके दिमाग में ऐसे ऐसे उल्टे आइडियाज़ आ जाते हैं कभी कभी। एंड देन साकेत भी उसके साथ देखो पूरा अपना वो उस टाइम पे एंजॉय करने के लिए लगा है, इसने बेबी को फेंक दिया पानी के अंदर। पर हमने जैसे O2 पर उतर गए थे शिप में से, और उसके बाद यहाँ पर जो उधर का जो छोटा सा टाउन था ना वहाँ पर इन्जॉय किया, बच्चों ने थोड़ी राइड्स वगैरह ली और क्या कहते खाने पीने के लिए वहाँ पे सम काइंड ऑफ मार्केट लगी हुई थी, तो स्टॉल्स वगैरह थे वहाँ पर, काफ़ी तरह के मोमोज थे, नूडल्स थे और बहुत सारी चीज़ें भी थी साथ में, तो सब ने थोड़ी थोड़ा सा खाया पिया एंड देन बच्चों ने राइड्स ली और फिर वहाँ से हम लोग घर के लिए चल पड़े थे। और यहाँ सक्षम भी एक राइड लेने लग गया है, जो पोनी है उसके ऊपर इसके नीचे व्हील्स वगैरह लगे हुए थे, उसको जंप वगैरह करके कुछ इसको चलाना था खुद ही, तो वो धीरे धीरे उसको लाइक सीखा उसने, एक दो मिनट लगे उसको एंड देन कुछ बच्चे तो बहुत तेज़ तेज उसको एकदम से नाइसली चला रहे थे, तो उसको थोड़ा टाइम लगा लेकिन लर्न करने में। तो यहाँ पर सक्षम अपना एंजॉय कर रहा था, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न वगैरह भी थे गाइस, बहुत ही नाइस लग रहा था ये, एक उन्होंने राइड सिस्टम रखा हुआ था जो, तो वी रियली लाइक्ड इट। और इस तरफ हम आए तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के लिए चीज़ें, लेकिन बेयरली यहाँ पर वेजिटेरियन चीज़ें बहुत कम थी, लाइक ज़्यादातर तो नॉन वेज ही बिक रहा था, और बट फिर भी हमें लाइक मोमोज और कुछ नूडल्स वगैरह मिले तो हम लोगों ने खाए, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया सॉरी। तो ठीक है फिर गाइस, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा मेरा ये व्लॉग, तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए Bye-bye, see you soon and look after yourself. Bye-bye.